हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज जो क्लास करेंगे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नंबर 4 की क्लास होगी। एक क्लास में अपन ने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो मैराथन था उसको डिस्कस कर लिया, फिर अपन ने नैनो टेक्नोलॉजी डिस्कस कर लिया, फिर बायो टेक्नोलॉजी डिस्कस कर लिया। आज अपन डिफेंस टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में दो टेक्नोलॉजी और बचेंगी आपकी, एक स्पेस टेक्नोलॉजी और दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उनको लेके फिर जनरल साइंस की 5-7 क्लास लेके उसको पूरा करवा देंगे और बेसिकली आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने इकोनॉमिक्स को लेकर पूछा कि सर इकोनॉमिक्स का, देखिए बाकी सारा यूट्यूब पे मैं जो सब्जेक्ट उनको करवा दूंगा, इकोनॉमिक्स का ऐप पर एक कोर्स चलाएंगे, बहुत मिनिमम से उसको रख लेंगे या फिर आप कहेंगे तो उसको फ्री चला देंगे, देखते हैं कैसे करें। और इकोनॉमिक्स भी कवर करवा देंगे, साइंस अभी चल ही रही है। जैसे ही साइंस और इकोनॉमिक्स पूरी हो जाएंगी, पॉलिटी मैंने पूरी करवा रखी है आपको यूट्यूब पे प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, पॉलिटी वहाँ से हो जाएगी। ज्योग्राफी आपको यूट्यूब पे फ्री करवा देंगे और इसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लास शुरू हो ही जाएगी, मैथ रीजनिंग भी करवा देंगे। तो कुल मिला के लगभग सारा सब कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। एक चाहेंगे तो इकोनॉमिक्स का एक पेड कोर्स कर सकते हैं बहुत मिनिमम से प्राइस पे, ताकि सारा बैलेंस रहे, काम भी चलता रहे और आपकी क्लासेस भी डिस्टर्ब नहीं हो जाएं। तो आज की क्लास में बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपन डिफेंस टेक्नोलॉजी। ऐसे डिफेंस का नाम लेते हैं, आपके ब्लड में ऐसे अलग से हरकत होती होगी। आज पढ़ेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी, हेडिंग लगाइए। रक्षा प्रौद्योगिकी इंग्लिश में लिखेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस टेक्नोलॉजी, देखिए इस टेक्नोलॉजी को पढ़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप केवल करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाइए और आपका काम हो जाएगा। दूसरा तरीका है, चूंकि टेक्नोलॉजी मेंस में भी आपके आरएस मेंस में, तो आपको इस आधे पौन घंटे की क्लास में मैं एक बेसिक सा आइडिया दे दूंगा कि टेक्नोलॉजी का ये स्ट्रक्चर है। फिर अगले संडे को एक करंट अफेयर्स की क्लास लगाएंगे जिसमें पूरे एक साल का डिफेंस का जो जो डेवलपमेंट हुए, जो जो करंट अफेयर्स हो, सारा आपको रटवा दिया जाएगा। तो कुल मिला के आज की क्लास में मैं बेसिक बताऊंगा, ये बेसिक बहुत ज़्यादा परीक्षा के लिए काम का नहीं होता है। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक बेसिक आइडिया जाएगा कि अच्छा ये डिफेंस सिस्टम है भारत का, और फिर इसमें करंट अपडेट कर लेंगे तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो दो क्वेश्चन आएंगे आपके ठीक हो जाएंगे। जैसे कोई रिसेंट के युद्धाभ्यास पूछता है, कोई नया हेलीकॉप्टर लॉन्च किया वो पूछता है, कोई पनडुब्बी लेके आए वो पूछता है, कोई लड़ाकू विमान लेके आए वो पूछता है। पर इससे पहले आपको थोड़ा सा डिफेंस की फाउंडेशन तैयार कर लेनी है, ताकि करंट अफेयर्स आपको पढ़ाएं तो आपको जोर नहीं है इसको याद करने में। चलिए रक्षा प्रौद्योगिकी, तो आपको पता है कि भारत में जो सेना का जो स्ट्रक्चर है, तीन बेसिकली सेनाएं आपने नाम सुना है, ये आपको पता भी है, एक आर्मी, इंडियन आर्मी, उसके बाद में एयरफोर्स, उसके बाद में नेवी। तो अगर थोड़ा सा टॉपिक से हटूं तो मैं एक बार इस पे वापस आएंगे इस स्लाइड पे। देखिए आपको पता है कि तीनों सेनाएं होती है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इनके ऊपर पद का नाम आपको पता है, इनका CDS और ऊपर राष्ट्रपति। भारत के संविधान का आर्टिकल 53 आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि भारत में तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। इसके दो मायने हैं, इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति क्यों होता है। तो आर्मी का जो सबसे बड़ा ऑफिसर आप मान के चले तो जनरल होता है, नेवी का एडमिरल होता है, और इसका एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल होता है, एयर चीफ मार्शल। अच्छा, जनरल आर्मी को कमांड देगा,
एडमिरल नेवी को कमांड देंगे और एयर चीफ मार्शल एयरफोर्स को कमांड देंगे। इसका मतलब क्रॉस कमांड कभी नहीं दी जा सकती। आर्मी के जनरल नेवी को कमांड नहीं देंगे, एयरफोर्स वाले नेवी को नहीं देंगे, नेवी वाले इसको नहीं देंगे, तो जनरल आर्मी को कमांड देंगे, एडमिरल नेवी को कमांड देंगे, एयर चीफ मार्शल वो एयरफोर्स को कमांड देंगे। अब मान लेते हैं किसी देश के साथ में आपका युद्ध हुआ। युद्ध होने का मतलब क्या होता है कि डिक्लेरेशन करना पड़ता है, युद्ध की घोषणा करनी पड़ती है। तो भारत में युद्ध की घोषणा करने का कार्य किसका है? ये पावर शक्ति राष्ट्रपति की है। इसका मतलब राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर है, तो तीनों को एक साथ क्या दे सकते हैं? आदेश दे सकते हैं। इसलिए तीनों सेना एक साथ मार्च कर सकती हैं, अलग अलग कमांड देने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर बनाया गया है। दूसरी बात, युद्ध विराम करना है, सीज फायर करना है, युद्ध रोकने की घोषणा, तो इसका मतलब राष्ट्रपति एक आदेश से युद्ध विराम की घोषणा कर सकते हैं तीनों सेनाओं के एक साथ। साथ ही साथ में युद्ध की कोई संधि करनी है, बहादुरी के मेडल देने हैं, वो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये तो आपको बेसिक एक समझ में आ गया होगा। अब वापस पीछे वाली स्लाइड पे आते हैं। अपन पढ़ रहे हैं रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। आप आर्मी पढ़ेंगे तो आपको आर्मी की रक्षा प्रौद्योगिकी में दो चीज़ें पढ़नी है। एक आपको मिसाइल पढ़ना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये आप लिख लीजिए मिसाइल। और एक आपको पढ़ना है टैंक, युद्ध टैंक। नाम सुना आपने, ऐसे आप में एनर्जी आनी चाहिए इस टॉपिक के साथ में, टैंक। तो आर्मी में आपको दो चीजें पढ़नी है, मिसाइल सिस्टम पढ़ना है और इसका टैंक सिस्टम पढ़ना है। अब बात करते हैं एयरफोर्स की। एयरफोर्स में एक आपको पढ़ना लड़ाकू विमान, दूसरा आपको पढ़ना हेलीकॉप्टर, और तीसरा पढ़ना है आपको ड्रोन। ठीक है, से आप अपन नेवी के बारे में डिस्कस करेंगे तो एक तो युद्धवाहक पोत पढ़ेंगे, दूसरा पनडुब्बियां पढ़ेंगे। तो लिखेंगे युद्धवाहक पोत और पनडुब्बियां, युद्धक वाहक पोत एंड पनडुब्बियां। इसका मतलब मिसाइल सिस्टम, टैंक सिस्टम, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, युद्धवाहक पोत और पनडुब्बियां। ये आप अगर सात चीज़ें आप पढ़ लेते हैं और आपको सात चीज़ों की समझ आ जाती है, इसका मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी की समझ आपकी बन गई। बात समझ में आ गया? अब आपको 1980 की कोई मिसाइल पढ़ाई जाए तो वो उतनी कारगर है ही नहीं। आपको मैं 2006 की कोई मिसाइल पढ़ाऊं वो कोई कारगर नहीं है। आपको मैं 2005 का कोई टैंक का नाम याद करूं वो कोई कारगर नहीं है। आपको मैं लड़ाकू विमान रिसेंटली आए हैं वो पढ़ाऊं तो ज़्यादा काम के हैं। तो कुल मिला के ये सारा का सारा जो डिफेंस का जो सिस्टम है वो सारा का सारा किससे कंट्रोल होगा? आपके करंट से। और करंट के क्वेश्चन आएंगे कि हाल ही में फला हेलीकॉप्टर अपने किस देश से आयात किया है, हाल ही में फला पनडुब्बी किस देश से मंगाई गई है, हाल ही में कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया गया है। तो ये आपको करंट में पढ़ाया जाएगा, पर एक फाउंडेशन अपन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे आप आर्मी, थल सेना। थल सेना में कितनी चीजें आपको पढ़नी है? दो। एक आपको पढ़ना है मिसाइल सिस्टम, और दूसरा आपको पढ़ना है टैंक। मिसाइल सिस्टम को भी दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहले वो मिसाइल पढ़ेंगे जो
1983 के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक बार नाम लिख लो केवल, के तहत विकसित पांच मिसाइलों की श्रृंखला। अभी आपके नहीं समझ में आएगा, एक बार लिख लेता हूं मैं। मिसाइल सीरीज जिसको पटना के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है, नाग है, आकाश है, और एक पढ़ेंगे अन्य मिसाइल, अन्य मिसाइल जिसमें अपन सौर्य पढ़ेंगे, निर्भय पढ़ेंगे, ब्रह्मोस पढ़ेंगे, अस्त्र मिसाइल पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे थल सेना के बारे में। अभी आप इसको नहीं लिखेंगे, मैं आपको केवल एक लेआउट बता रहा हूँ कि इसको क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ना है। सबसे पहले थल सेना में क्या पढ़ेंगे, मिसाइल को के बारे में पढ़ेंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि साहब मारक क्षमता के आधार पर मिसाइलें कितनी प्रकार की होती हैं, इसके अलावा बिलास्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, गति के आधार पर मिसाइल कौन सी होती है। एक तो ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। दूसरी बात है कि मिसाइलों का विकास के लिए कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पांच मिसाइलें बनाई गई, उनके बारे में बताएंगे, उन श्रृंखला के बारे में, और फिर अन्य मिसाइलों के बारे में, और फिर अपन टैंक पे आ जाएंगे। ठीक, तो आप इसको अभी नहीं लिखना चाहें तो केवल आप मिसाइल और टैंक लिख के समझ सकते हैं, ताकि आपके बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहे कि एक पढ़ेंगे मिसाइल और एक पढ़ेंगे टैंक, और किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, थल सेना के बारे में। तो आप हेडिंग लगाएंगे मिसाइलों के बारे में, मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल तकनीक। इस मिसाइल तकनीक को दो भागों में डिवाइड कर लीजिए आप अभी से। एक लिखिए मिसाइलों का वर्गीकरण, और एक हेडिंग लगाइए मिसाइलों के उदाहरण या मिसाइलों के नाम और विशेषताएं। ठीक, मिसाइल तकनीक, उसमें मिसाइलों का वर्गीकरण, और दूसरा मिसाइलों के नाम और उनकी विशेषताएं क्या क्या है। बहुत पुराने एग्जाम्पल अभी इस टॉपिक में खास काम के रहेंगे नहीं, क्योंकि करंट आपको अपडेट करवाएंगे। तो मिसाइलों का सबसे पहले वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे कि एक मिसाइल है उसकी मारक क्षमता कितनी है, मतलब उसकी रेंज कितनी है। तो पहला जो वर्गीकरण करेंगे वो मारक क्षमता के आधार पर करेंगे। ठीक, फिर दूसरा अपन पथ के आधार पर कर लेंगे कि इस पथ से जा रही है। तीसरा अपन वार हेड के आधार पर कर सकते हैं। चौथा अपन गति के आधार पर कर सकते हैं। तो पहला जो वर्गीकरण है मिसाइल का, वो वर्गीकरण नंबर एक जो मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, सबसे पहला मिसाइल का वर्गीकरण है वो है मारक क्षमता के आधार पर। मारक क्षमता नंबर एक, पहला वर्गीकरण मारक क्षमता के आधार पर। आरएस मेंस में 15 शब्द में सीधा सीधा पूछा जा सकता है मारक क्षमता के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण। तो आपको सीधा बताना है कि सब मारक क्षमता के आधार पर, वैसे पांच से ही मारते हैं तो पांच ही प्रकार हैं। मारक क्षमता के आधार पर मिसाइलों के पांच प्रकार हैं। पहला प्रकार है स्ट्रेटेजिक मिसाइल, रणनीतिक मिसाइल। एक एक एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा आराम से, और ये क्लास उनको भी देखनी चाहिए जो भारत के डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं। पहली बात स्ट्रेटेजिक मिसाइल, रणनीतिक मिसाइल, एक होती है सामरिक मिसाइल और एक होती है रणनीतिक मिसाइल।
स्ट्रेटेजिक जो मिसाइल होती है उनकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक होती है। इसका मतलब ये जो मिसाइल है ये युद्ध क्षेत्रों के बहुत नज़दीक काम में ली जाती है, ये अपने बचाव सिस्टम के लिए काम में ली जाती है। जैसे मान लो अभी किसी देश का एग्जाम्पल लेना, फिर उसके साथ युद्ध की एग्जाम्पल देना, वो एक आप जिस प्रशासनिक पद के लिए जा रहे उस हिसाब से बहुत एग्रेसिव बातें ठीक नहीं होती हैं। मान लेते आपके किसी पड़ोसी देश के साथ में आपका युद्ध है, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ में, किसी के साथ में, ये 300 किलोमीटर मारक क्षमता की मिसाइल है। इसका मतलब इसको अगर आपने डिप्लॉय कर दिया अलवर में और अलवर से चलाया तो हो सकता है जोधपुर पर जाके गिर जाए, या फिर आपने इसको जोधपुर पर इस्टेब्लिश किया, जोधपुर में लगाया तो जैसलमेर में जाके गिर जाएगी। इसलिए कम से कम इसको बॉर्डर एरियाज में आपको इसको लगा के रखना होता है। ये रणनीतिक मिसाइल होती है। आपको क्वेश्चन यहाँ से एक पूछा जा सकता है कि भारत में रणनीतिक मिसाइल की दूरी जो वर्गीकरण है वो, और दूसरा कौन सी मिसाइल रणनीतिक मिसाइल का एग्जाम्पल है। तो याद रखना इसकी जो मारक क्षमता होती है कहाँ तक मार कर सकती है, मारक 300 किलोमीटर तक। और जो पृथ्वी मिसाइल है, आगे मैं सारी मिसाइलें पढ़ाने वाला हूँ, जो पृथ्वी मिसाइल है, पृथ्वी फर्स्ट, वो इसका एग्जाम्पल है। इसका मतलब पृथ्वी फर्स्ट जो मिसाइल है इसको कहाँ पे लगाएंगे, इसको अगर आपको पाकिस्तान के साथ कोई खतरा है तो आप जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के एरिया में इसको रखेंगे या थोड़ा सा इस साइड में, और अगर चाइना का तो फिर आप अपने हिसाब से जो चाइना के साथ में जो बॉर्डर शेयरिंग स्टेट है उनके साथ में आप रखेंगे इसको। तो पहला समझ में आ गया रणनीतिक मिसाइल क्या है। ये स्ट्रेटेजिक मिसाइल है, 300 किलोमीटर तक की मारक की क्षमता रखती है, और भारत में जो पृथ्वी मिसाइल है, पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल है, वो इसका एग्जाम्पल है। अब दूसरी जो मिसाइल है वो है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये बैलिस्टिक क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा आपको। दूसरी मिसाइल लिखिए, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। SRBM, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है 300 से लेके 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। कितना? 300 तक की रणनीतिक थी और 300 से 1000 तक की मारक क्षमता रखेंगी। तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता कितनी होगी? अभी इसको रटवा देंगे बाद में समझा के। 300 किलोमीटर से और 1000 किलोमीटर तक ये मार करेगी। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ध्यान में रखनी कि भारत की जो अग्नि फर्स्ट है, पृथ्वी तीन है, सौर्य मिसाइल है, ये इसके एग्जाम्पल है। कौन कौन से? पहला एग्जाम्पल लिखिए आप अग्नि फर्स्ट का। अग्नि फर्स्ट पृथ्वी तीन एंड सौर्य मिसाइल, इन सब के नाम आएंगे आगे। सौर्य मिसाइल, ये जो मिसाइल है ये अग्नि फर्स्ट, पृथ्वी थर्ड एंड सौर्य, ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जांपल है। तो दूसरा वर्गीकरण कौन सा हो गया? शॉर्ट रेंज का। अब आएगा मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM। तो तीसरा लिख रहे हैं मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, देखिए पहला कौन सा था? स्ट्रेटेजिक मिसाइल थी, उसके बाद में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, अब आएगी मिडिल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, फिर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आ जाएगी, फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आ जाएगी। अभी आप इस पे नहीं जाइए, इतना याद रखो मिडिल रेंज वाली है। इसका मतलब इन मिसाइलों की जो मारक क्षमता होगी वो मिडिल रेंज तक होगी। मिडिल रेंज कितनी? 1000 से लेकर लगभग 3500 किलोमीटर तक मार करेगी। तो इनकी मारक क्षमता कितनी होगी?
1000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक। और आपने पक्का न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा अपनी जो अग्नि श्रृंखला है इसमें अग्नि दो, अग्नि तीन, ये इसी कैटेगरी की मिसाइल है, अग्नि चार इवन। तो अग्नि टू, इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए, अग्नि टू ये याद नहीं रखने आपको, अग्नि थ्री एंड अग्नि फोर। तो अग्नि श्रृंखला वाली जो मिसाइलें हैं ये मिसाइलें मिडल वाली हैं, मध्यम वाली हैं। इसके बाद में अग्नि थ्री तक, इसके बाद में जो आएगा लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मिडिल हो गया। अब अगला कौन सा आएगा, लॉन्ग रेंज। थोड़ा सा आपके हो सकता है तनाव आए इसको लेकर, पर अभी याद करवा देते हैं। चौथा लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। जब तक भारत ने अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का डेवलपमेंट नहीं किया था, तो अपने लिए सबसे जो हाईएस्ट अग्नि फोर थी जो 3500 से लेकर लगभग 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रख रही थी वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ही थी। इसका मतलब देखा जाए तो एशिया कंटिनेंटल को आप लगभग कवर कर रहे हैं। तो आपके जो भी एशिया कंटिनेंटल में जो भी देश हैं, एशिया महाद्वीप में जो भी देश हैं, इन सबको आपने यहाँ से कवर कर लिया, मतलब उन सबको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो। इनकी जो मारक क्षमता वो 3500 से लेकर लगभग 5000, अब ये कई जगह आपको 5500 भी मिलेगा, कई जगह 5000 भी मिलेगा, इसको लेकर कभी तनाव में आना ही नहीं है। ये मैं आपको डाटा लिखवा रहा हूँ जो कभी काम में नहीं आएंगे, केवल एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा आपका। तो ये 3500 से लेके और लगभग आप लिखना चाहो तो 5500 लिख सकते हैं, 5500 किलोमीटर तक अग्नि फोर जो है, अग्नि फोर इसका एग्जांपल है। अब जो सबसे अंतिम जो मिसाइल है जिसको लेकर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, पहली मिसाइल है जिसको लेकर भारत कम का दावा करता है और बाकी सारे देश ज़्यादा दावा करते हैं, अपने अग्नि फाइव जिसके परीक्षण चरण अभी चल रहे हैं। अग्नि पाँच का जब अपने परीक्षण किया तो पूरे विश्व में हाहाकार मच गया कि भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है। अमेरिका कह रहा यार आपने क्यों बनाई, इसका क्या मतलब है, भारत का मिसाइल सिस्टम अमेरिका तक पहुँच रहा है, रसिया तक पहुँच रहा है, फ्रांस तक पहुँच रहा है। भारत कह रहा नहीं नहीं हमारे पास इतनी दूरी की है ही नहीं। और सारे विश्व की जितनी एजेंसियां वो दावा करती हैं कि अग्नि 5 और 8000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है, भारत कहता नहीं नहीं ये तो कोई 5-5500 तक की है। तो भारत की ऐसी पहली मिसाइल है जिसको लेकर इंटरनेशनल दावे बढ़े हैं और भारत वाले कह रहे हैं नहीं नहीं हमारे पास इतनी कहाँ सर, हम क्यों अमेरिका तक क्यों करेंगे। अब समझिए अमेरिका कह रहा है यार आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप अमेरिका तक पहुँच के एक मिसाइल का डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे। तो एक है इंटरकॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप होता, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को कवर कर ले। अभी तक अपने पास महाद्वीप एक महाद्वीप को कवर करने तक की थी, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में अपन केवल एशिया को कवर कर रहे थे, अब आप एशिया से लेकर अन्य महाद्वीपों को कवर कर सकते हैं अग्नि पाँच से। तो लिखिए इंटरकॉन्टिनेंटल, इंटर का मतलब अंतर महाद्वीपीय, इंटरकॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ICB इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक रेंज मिसाइल, ये अग्नि पांच आप याद रखेंगे, इसमें अग्नि फाइव। इसकी मारक क्षमता मैं अभी आपको लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि उसका लिखवाने का मतलब सही नहीं है, आप समझ रहे होंगे। तो अपने पास आपको परीक्षा में पूछे कि भारत की अंतर्महाद्वीपीय मिसाइल का नाम बताओ, अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम बताओ, तो आप कहना सर अंतर, उत्तर इसका फाइव होगा, आंसर पाँच होगा, अग्नि फाइव। फिर भी ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर कभी नहीं पूछता है क्योंकि कुछ सीक्रेट से मामले होते हैं जिनको लेकर बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं कि साहब इसकी एग्जैक्टली दूरी आप बताओ क्या बताओ, वो नहीं पूछे जाएंगे। कुल मिला के पहला अपन ने क्या देखा, पहला अपन ने देखा कि मारक क्षमता के आधार पर मिसाइलें कितने प्रकार की हो गई, पांच। पहली कौन सी है,
रणनीतिक मिसाइल याद रखिए। देखो पहली और पांचवी तो आपके याद हो गई होंगी, पहली रणनीतिक है और अंतिम अंतर महाद्वीप की है, अंतर महाद्वीप की। रणनीतिक आपको पता लग गया 300 किलोमीटर तक काम में आएगी, युद्ध क्षेत्र में काम में आती है, बाकी कोई काम में नहीं आएगी। ये डिफेंसिव मैकेनिज्म आपको बचाने के काम में आएगी, ये ऑफेंसिव मैकेनिज्म में नहीं रहेगी। अंतिम अंतर महाद्वीप जो सारे महाद्वीपों को अपनी जद में ले लेगी। अब बीच में तीन बची हैं, एक शॉर्ट रेंज की हो गई, एक मिडिल रेंज की हो गई, एक लॉन्ग की हो गई, तीन ही हो गई, छोटी दूरी, मध्य दूरी, लंबी दूरी। इसको मैं याद कर देता हूँ आपकी ताकि दिक्कत नहीं आए, इस पेज पे याद कर लेते हैं। देखो पांच मैंने बताया, अभी याद करो, परीक्षा में पूछे मारक क्षमता के आधार, आप कहना सर पांच है, पांच में दो तो ऐसे साइड साइड में लिख रहा हूं मैं और तीन यहां बीच में लिखूंगा। एक है रणनीतिक, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मिसाइल, कहां तक काम में आएगी, 300 किलोमीटर तक काम में आएगी। एक अंतर महाद्वीपीय है, इंटरकॉन्टिनेंटल है, अंतर महाद्वीप। बीच में बची लघु दूरी, लघु के बाद में मध्यम आता है और मध्यम बाद में लंबी आती है। ये लो, एक रणनीतिक मिसाइल हो गई, एक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल हो गई, फिर शॉर्ट रेंज की, मीडियम रेंज की और लॉन्ग रेंज की। किस आधार पर, मारक क्षमता के आधार पर कितने प्रकार की मिसाइलें, पांच। अब सुनिए, अब मान लो कल आप अखबार पढ़ रहे हैं, करंट पढ़ रहे हैं, अग्नि पांच का भारत ने सफल परीक्षण किया, समझ में आ गया आपके कि ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इस पर पूरा ऐसे लिखने के लिए आप तैयार है बाप, आप इसकी श्रृंखला बता सकते हैं, भारत ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का डेवलपमेंट क्यों किया, कौन कौन सी परिस्थितियां रही होंगी, इसके अलावा कौन कौन सी मिसाइलों का वर्गीकरण है। तो आपको इसलिए करंट पढ़ने से पहले फाउंडेशन मजबूत करना जरूरी है। अब बात करते हैं अगली, तो याद करो रणनीतिक हो गया और अंतर महाद्वीप हो गया, बीच में शॉर्ट मीडियम लॉन्ग याद हो गया आपका, तो वापस लिख देता हूँ, ये स्ट्रेटेजिक हो गया, फिर शॉर्ट मीडियम लॉन्ग और इंटर कॉन्टिनेंटल। स्ट्रेटेजिक लॉन्ग, स्ट्रेटेजिक शॉर्ट मीडियम लॉन्ग और इंटी कॉन्टिनेंटल, डबल एस एम एल आई याद रहेगा आपके, ठीक है। अब बात करते हैं पथ के आधार पर, ये इंटरेस्टिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, पथ के आधार पर वर्गीकरण। तो दूसरा आप हेडिंग लगाओ पथ के आधार पर, किस पथ का अनुसरण करती है मिसाइल, पाथ के आधार पर, वे के आधार, पाथवे के आधार पर। इसका मतलब यह है मिसाइल को जब आप छोड़ेंगे तो कौन से पाथ को फॉलो करते हुए मिसाइल आगे जाएगी, भाई वो परवलयकार से जाएगी या सीधी रेंज में जाएगी, किस प्रकार मिसाइल जाएगी। इस आधार पर मिसाइलों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है बैलिस्टिक मिसाइल, एक है क्रूज मिसाइल, ये याद रखना आपको। तो पथ के आधार पर लिखे, बोले सर पथ में कितने नाम है बताओ, दो, तो पथ के आधार पर दो ही प्रकार, एक बी और एक सी, एक लिख रहा हूं बी और एक लिख रहा हूं सी। इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। इसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल, क्रूज। बस इस बार आरएस मेंस में क्वेश्चन आएगा जो आपके प्री लग रहे हैं, इसके बाद मेंस लगेगा। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर स्पष्ट कीजिए 15 शब्द में। तो आपको सीधा सीधा कहना पथ के आधार पर मिसाइलें की, मिसाइलों की दो कैटेगरी है, बीच में आपको लाइन लगा देनी है, एक साइड में बैलिस्टिक लिखेंगे, एक साइड में क्रूज लिखेंगे। ये कर्ज दिख रहा आपको, क्रूज है, सी है ऊपर, ये सी लिखा हुआ, क्रूज मिसाइल, ठीक। आप ऐसे समझिए इसको, बैलिस्टिक मिसाइल के कुछ फीचर बताऊंगा, वो जस्ट इससे उल्टे क्रूज के हो जाएंगे। तो एक मिसाइल के फीचर याद कर लेते हैं। पहली बात यह कि जब भी आप बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेंगे, इसका पथ तय होता है पहले से, साहब इस पथ पे मिसाइल को भेजा जाएगा, इस रास्ते से मिसाइल को भेजा जाएगा। इसका मतलब बैलिस्टिक मिसाइलों के जो रास्ते हैं वो पूर्व निर्धारित होते हैं जब छोड़ा जाता है तब, तो पथ इसका निर्धारित होता है। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से आपको यहाँ छोड़नी है,
तो इसके लिए आपको ये लगभग पाथ तय कर लिया जाता है कि साहब इतनी दूरी पर जाएगी, पहले इसके अलग अलग टर्मिनल फेज होता है, मिडिल फेज होता है, फिर लास्ट फेज होता है, तो इस फेज से जाके यहाँ तक मिसाइल यहाँ गिरेगी। इसका मतलब इसका पथ है वो आपको लगभग आइडिया लग गया कि साहब इस पथ पर जाएगी ये। ठीक, मैं बिल्कुल टेक्निकल नहीं बता रहा हूँ, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको पता ही नहीं मिसाइल क्या होता है, वो सीख जाए। तो बैलास्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि इसका पथ क्या होता है, रास्ता पूर्व निर्धारित पथ होता है, इसका पूर्व निर्धारित रास्ता होता है। इसका मतलब इसका फिक्स पाथ होता है, प्री डिसाइडेड पाथ होता है कि इस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी। ये लंबी दूरी तक जाती है, कहाँ तक जाती है, लंबी दूरी तक। लंबी दूरी इसका मतलब आप बताओ, आप अपने शॉर्ट रेंज पढ़ा, अपने मीडियम रेंज पढ़ा, अपने लॉन्ग रेंज पढ़ा, इंटरकॉन्टिनेंटल पढ़ा, वो क्रूज होगी या बेलास्टिक होगी, ओबीसी बात है। इसके लिए उनके नाम के आगे क्या लगा था, बेलास्टिक, मिडल रेंज बेलास्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बेलास्टिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज बेलास्टिक मिसाइल, रणनीति के साथ नहीं लगा क्योंकि वो शॉर्ट रास्ते पे जाएगी। तो लंबी दूरी तय करती है, लंबी दूरी दो बात। अब लंबी दूरी पर जाने के लिए जैसे आपको बॉल फेंकनी है तो बॉल ऐसी सीधी फेंकेंगे या फिर ऊपर से फेंकेंगे ताकि दूर तक जाए, ओबीसी बात है उसको प्रवलय कार में आप फेंकते हैं बॉल को ताकि वो लंबी दूरी पर जाके गिरे। तो भाला फेंकते ना, भाला फेंकने वालों का आपने देखा होगा, जो भाला फेंकते हैं वो भाला सीधा कभी नहीं फेंकते हैं, वो भाले को ऐसे भाग के ऊपर की तरफ फेंक के फिर वो ऐसे जाके गिरता है, उसको प्रवलय कार पथ बोलते हैं। तो अगर आपको लंबी दूरी तक कुछ भेजना है तो प्रवलय कार पथ को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए इनका पथ कैसा होता है, प्रवलय कार। इनका पैराबोलिक है, अपने पैराबोलिक बालू के स्तूप भी पड़े होंगे, इस प्रकार के बनते हो, इस प्रकार के पैराबोलिक राजस्थान की ज्योग्राफी में प्रवलयकार बालू का स्तूप। दिक्कत क्या है इनकी, पूर्व निर्धारित पथ है, पहले से फिक्स पाथ है, तो ये मिसाइल राडार की पकड़ में आ सकती है क्योंकि राडार को पता होता है कि मिसाइल इस रास्ते से जाएगी। इसलिए इनकी एक हानि क्या होगी साहब, ये राडार की पकड़ में आ सकती है आसानी से, तो इनको राडार पकड़ सकता है, राडार राडार की पकड़ में आ सकती है। आपको फटाफट गिनाने कोई कहे बेलास्टिक मिसाइल क्या होती है, आप कहना सर बेलास्टिक का मतलब ये दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाके मार करेगी। दूर भेजने के लिए आपको प्रवलयकार पथ का फॉलो करना पड़ेगा। प्रवलयकार का मतलब ऐसे एक घेरे में पथ बन रहा है तो पूर्व निर्धारित पथ होगा और उस पूर्व निर्धारित पथ को राडार पकड़ भी सकता है। ठीक, अब क्रूज को जस्ट उल्टा कर लेते हैं। इसका रास्ता पूर्व निर्धारित होता है, इसका कोई रास्ता नहीं होता है, नो फिक्स पाथवे, इसका कोई पाथ नहीं होता है, इसका लिखो पथ पूर्व निर्धारित नहीं, निर्धारित नहीं, कोई पाथ नहीं है। दूसरा, ये तो चलती है लंबी दूरी तक और ये चलती है शॉर्ट दूरी, लघु दूरी पर जाती है। आपको बहुत थोड़े 100-200-300 किलोमीटर तक भेजना तो चली जाएगी लघु दूरी। क्यों भाई, जैसे मान लो कोई पहाड़ आ गया, कोई और आ गया, मैदानों भागों में सक्सेस है पर कोई पहाड़ आ गया और आ गया तो सीधे पथ में जाएगी तो टकरा भी सकती है, तो इसलिए ये लघु दूरी पर जाती है, शॉर्ट इसकी रेंज होती है। इसका परवलयकार पथ होता है इस प्रकार का, किसका, बेलास्टिक, ये सीधे पथ में जाती है, सीधे सीधे पथ को आप फॉलो करती है, सीधे पथ पर। पूर्व निर्धारित पथ नहीं है तो क्या राडार पकड़ेगा ना, इनको राडार पकड़ ही नहीं सकता, तो राडार की पहुंच से दूर होती है, राडार की पहुंच से दूर। आपको कोई पूछे ना इंटरव्यू में, इंटरव्यू में से क्वेश्चन, अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर को बहुत साधारण भाषा में इसे जोरदार तरीके से समझाना है कि सही में उनको नहीं पता और फिर आप उसको इस तरीके से बता के आते हैं तो उनको अच्छा फील होता है। तो वापस याद करो, पहला बताया आपको मार्ग क्षमता के आधार पर 5, फिर पथ के आधार पर 2, एक याद कर लो बेलास्टिक, बी तीसरा क्रूज, ऐसे क्रूज गाड़ी की तरह सीधी भागेगी, शॉर्ट दूरी पर जाएगी, कोई पूर्व निर्धारित पथ नहीं होता, क्रूज गाड़ी को कोई नहीं पकड़ सकता। यह आपका हो गया पथ के आधार पर। अब याद करते हैं लक्ष्य के आधार पर, लक्ष्य कहाँ है और कहाँ से चलाया जा रहा है, तो तीसरे लिखेंगे लक्ष्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट, कि टारगेट है कहाँ पे और कहाँ से टारगेट किया जा रहा है, तो लिखो लक्ष्य के आधार पर, लक्ष्य के आधार पर। देखिए ऐसे
वैसे मुझे पता है इस बात का कि लक्ष्य में 250 शब्द हैं जिसमें लय अदक्ष है ये, पर अभी समझो कि लक्ष्य में 3 नाम है, तो लक्ष्य के आधार पर 3 प्रकार की मिसाइलें होती है, ये आपको याद रखना है। कितने प्रकार की? 3। इसको पहले लिख रहा हूं, ये आपने जरूर सुना है, सतह से सतह सुना ना, सतह से सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह, एक बात। दूसरी बात, सतह से हवा, सरफेस टू एयर, अभी याद करवा देते हैं आपको। और तीसरा, हवा से हवा, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और एयर टू एयर। देखिए ये मिसाइलें पृथ्वी की सतह पर ही छोड़ी जाती हैं और इनका जो टारगेट होता है वो भी सतह पर ही होता है, तो इनका लॉन्चिंग पैड और इनका टारगेट दोनों पृथ्वी की सतह पर ही होते हैं, तो ये सतह से सतह की है। अभी याद करवाते हैं कौन कौन सी है। इनका लॉन्चिंग जो होता है वो यहां पे होता है और हवा में कोई मार्क करती है। ये इंटरेस्टिंग है, जैसे आपने ये महाभारत देखा होगा, यहां पे इधर से एक तीर चलाया जा रहा है, उधर से तीर तीर हवा में तीर को नष्ट कर रहे हैं, तो वो किसका एग्जांपल हो गया? हवा से हवा का हो गया, ठीक है ना। तो ये हवा से हवा वाला एग्जांपल देखिए, इसका जो लॉन्चिंग होता है वो भी एयर से ही होता है और इनका जो टारगेट होता है वो भी एयर में ही होता है। तो अब दो हेलीकॉप्टर आपस उड़ रहे हैं, इधर से मिसाइल इधर से मिसाइल, तो दोनों हवा से उसका टारगेट है और हवा से उसकी लॉन्चिंग हो रही है, तो ये हवा से हवा का है। परीक्षा में यहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है, भारत की कौन सी मिसाइल है सतह से सतह का एग्जाम्पल है, भारत की कौन सी मिसाइल है वो सतह से हवा का एग्जाम्पल है, और भारत की कौन सी मिसाइल है जो हवा से हवा का एग्जाम्पल है। देखिए सतह सतह, आप आग कहाँ जलाते हैं? तो आग तो आप ऐसे कई जगह जला सकते हैं, पर आप मान के चलिए कि पृथ्वी पर आग जलाते हैं, तो पृथ्वी पर आग जलाएंगे मतलब पृथ्वी और अग्नि, ये इसका एग्जाम्पल है। पृथ्वी पर क्या जलाएंगे? अग्नि, तो पृथ्वी और अग्नि याद रख लेंगे। पृथ्वी, पृथ्वी तो सतह हो ही गई, अग्नि भी पृथ्वी की सतह पर जलाएंगे, ठीक है। सरफेस टू एयर, मैं सरफेस पे खड़ा हूं अभी देखिए, और मैं एयर हवा की तरफ देख रहा हूं, इसका मतलब आकाश जो है सतह से आकाश की तरफ खड़ा होकर देखा जाता है, आकाश मिसाइल सतह से हवा का एग्जाम्पल है। आकाश त्रिशूल रखते हैं तो पृथ्वी पर रखते हैं, उसका मुंह ऊपर की तरफ करके रख देते हैं, त्रिशूल कैसे गाड़ देते हैं, इसका मतलब सतह से हवा हो गया, तो त्रिशूल उसका एग्जाम्पल हो गया, त्रिशूल। अब है हवा से हवा अस्त्र, आपको पता महाभारत में अस्त्र शस्त्र चलाए गए थे, तो अस्त्र एग्जाम्पल है हवा से हवा का। मेरे हिसाब से आप ये नहीं भूल सकते, वापस देख लेते हैं, सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस, आग कहाँ पे जलाएंगे? पृथ्वी पर जलाएंगे, तो अग्नि पृथ्वी, सतह से हवा आकाश और त्रिशूल, और हवा से हवा अस्त्र मिसाइल। ये हो गया लक्ष्य के आधार पर। अब बात करते हैं गति के आधार पर, गति, गति। इसका मतलब तो कितनी स्पीड से जाती है, इसको ध्वनि की स्पीड के साथ में मापा जाता है, जो मैक में मापते हैं, MAC मैक। इस आधार पर 3 प्रकार होते हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। तो गति के आधार पर 3 प्रकार, यह भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहला कौन सा हो गया? सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं गति के आधार पर मिसाइलों के वर्गीकरण के।
सबसोनिक ऐसी मिसाइल होती है जिनकी जो स्पीड होती है वो एक मैक तक होती है, मैक, तो लिखो एक मैक तक, एक मैक तक। ये पूछा जा सकता है परीक्षा में आपको। दूसरा पूछेगा आपको सुपरसोनिक, एक मैक से लेके, अब सोचिए ध्वनि की स्पीड, धमाका बाद में होगा, मिसाइल पहले आपके पास पहुंच जाएगी, कितना आप सोच के देखिए कितना भयंकर मामला है। एक मैक से पांच मैक तक, पांच मैक, और अंतिम में हाइपरसोनिक, पांच मैक से ज्यादा जिसकी स्पीड होती है। आप इसको यूट्यूब पे कोई वीडियो अगर मिले तो जरूर देखना, स्पीड इसकी सोच के देख सकते हैं कि मतलब लॉन्चिंग का ट्रिगर की आवाज आएगी, आवाज से पहले मिसाइल पहुंच जाएगी, आवाज बाद में पहुंचेगी आपके पास में, ये कितनी फास्ट स्पीड हो सकती है। तो पांच मैक से ज्यादा, पांच मैक से ज्यादा की जो स्पीड है उसको हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। तो ये आपको मिसाइलों का मैंने एक बेसिकली क्या बता दिया, आपको क्लासिफिकेशन वर्गीकरण बता दिया। वापस देखते हैं कौन कौन से वर्गीकरण किया आपने। देखिए इधर सबसे पहले मारक क्षमता के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण आपने देख लिया। उसके बाद में ये पांच प्रकार हो गए मारक क्षमता के आधार पर। पहला कौन सा था जिसको आपने रणनीतिक समझा, और अंतिम इंटरकॉन्टिनेंटल समझा, फिर शॉर्ट मिडिल लॉन्ग समझा। इसके बाद में पथ के आधार पर दो आपको मैंने याद करवा दिया। उसके बाद में लक्ष्य के आधार पर अपन ने तीन याद कर लिए, और उसके बाद में आपने गति के आधार पर याद कर लिए, तीन प्रकार हो गए। अब भारत में देखेंगे कि भारत में मिसाइलों का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन डेवलपमेंट है, वो कब से शुरू किया गया। 1983 के प्रोग्राम से शुरू हुआ, जिसमें मिसाइलों का, बहुत सारी मिसाइलों की डिटेल्स हैं। क्लास 42 मिनट की हो गई है, इसको आज के एक पार्ट में कर लेते हैं, एक पार्ट कल, एक पार्ट परसों, दो पार्ट और आएंगे इसके, या चलिए एक पार्ट में करवा देंगे, कल वाले एक पार्ट में आपको कंप्लीट डिफेंस टेक्नोलॉजी आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को आप ऐसे ही लिख लीजिए नोट्स में, करंट अपडेट संडे को करवाएंगे, पूरी एक साल का करंट आपको कर देंगे, ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपकी समस्याएं दूर हो जाए। इकोनॉमिक्स का देख लेंगे, ऐप पे कोर्स चला लेंगे, आप इंटरेस्टेड होंगे तो उसको ले सकते हैं, बहुत मिनिमम सर, बाकी सारा यूट्यूब पे आपको फ्री करवा देंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।